आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया में 2020 की आखिरी रात कयामत बनकर उभरी, जहां एक युवक को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। घटना केहाट थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा मैदान का है, जहां बड़ी संख्या में अपराधियों ने सौरभ यादव नामक युवक को घेर कर गोलियां दागी। अस्पताल में इलाज के दौरान सौरभ की मौत हो गई। सूचना के मुताबिक सौरभ अपने घर का इकलौता सहारा था, जो अभी पढ़ाई कर रहा था। आरोप है कि साजिश के तहत इसे बुलाया गया और अपराधियों ने गोली मार दी। घटना के बाबत मृतक सौरभ यादव के परिजन ने बताया कि पहले से कुछ लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे और आज उन्हें मार भी दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर SDPO आनंद कुमार पांडे मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। आनंद कुमार पांडे ने उसी वक्त टीम को गठित कर छापेमारी के लिए भेज दिया और मिली सूचना तक दो अपराधियों को धर दबोचा गया था, बाकियों की तलाश जारी। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। पिताजी का नाम स्वर्गीय शैलेंद्र कुमार यादव। कहाँ घर है? मधुबनी यादव। अच्छा, ठीक है। सौरभ जो मरा है उसको कैसे जानते हो? सर भैया, अपने भैया है? मौसी का बेटा है। क्या हुआ घटनाक्रम बताओ, कैसे क्या हुआ? सर वो लड़का, मतलब हम लोग खड़ा थे, वो लड़का उधर से आया, धमकी उनकी गाली। कौन लड़का है? चेंकी था, आशीष था, और वह उसके साथ और था रोहित और सौरभ गौरव, यही सब लड़का था। सर मतलब धमकी दे रहा था, उसी में मतलब सौरभ भैया को मारने लगा। कहाँ को मारने लगा? वहीं पर फील्ड पे। सर फील्ड पे सौरभ कैसे पहुँच गया वहाँ? सर मेरे साथ मतलब गए थे। क्या करने गए? वहाँ मेरा खेत है, खेत पटाने गया था। जी, वो मतलब फोन पे धमकी भी दिया था कि मतलब ड्रा मार देंगे। अंकल मेरे ये मौसी का लॉज में रहता है, यहाँ पे लड़ाते थे सौरभ भैया रूम लेके। जादव टोला बैजनाथपुरी, जादव टोला तेल भी पूछा। मौसी का क्या नाम है? पूनम देवी। क्या घटना के बारे में जानते हो, विस्तार से बताओ। घटना के बारे में अंकल, सौरभ भैया वहाँ पे रूम पे था, हम लोग ऐबे किए थे घर से तुरंत वहाँ लॉज पे। हाँ, अति वहीं पे रहते हैं अंकल वहीं। उसके बाद सौरभ भैया बोलता चलो उससे कुछ टेंशन हुआ, बोलता चल तो किससे टेंशन हुआ? चनकी, रोहित झा, राजीव और आशीष, रवि ठाकुर। पूरा नाम बोलो सर, पूरा नाम जो जितना जान रहा है। बाप का नाम जी है, वहीं पे हुआ। इधर गए सौरभ भैया उतरे तो बांस लेके सीधे मारने के स्टार्ट कर दिए। कौन शुरू कर दिया मारा? सौरभ भैया लोग, और उधर से भी इट्टा पत्थर चलाने जी सर। हम लोग भी इट्टा चलाए हैं सर। हाँ, तो उसके बाद सौरभ भैया बोलते कि निकल, तो सौरभ भैया बुलेट लेके उधर से निकले, हम लोग इधर घूम गए अंकल। हाँ, तब तक मैं फिर सौरभ भैया के पास जैसे देखे वहाँ बहुत आदमी जमा हो गया, तो हम लोग वहाँ से निकले। सौरभ भैया भी वहाँ से निकल गया। हाँ, तब फिर कोई फोन बोलता है क्या वहाँ पे आके, सौरभ भैया वहाँ वहीं पर थे प्लॉट पर। तब गए, तब सौरभ भैया देखे पूरे सीरियस थे, यहाँ लेट आए। चाकू को कौन मारा? चाकू अंकल वही लोग उधर से अति किया, हम लोग तो वहाँ से निकल गए थे। तब बाद में पहुँचा शिवराज और रोकी भैया लाने के लिए गया था उसको, तब हम लोग सीधा लेट वहाँ से यहीं आए। लोग सब कौन कौन था इसका एंटी ग्रुप जिससे मार चल रहा था? चनकी था, राजीव था। चनकी कहाँ का है? चनकी का घर कहाँ? चनकी का घर हवाई अड्डा वहीं पर। हाँ, और कौन था? और राजीव था। उसका घर कहाँ? राजीव का घर नहीं जानते। रोहित झा का घर कॉलेज चौक पे है। गौरव झा का घर भी गोरठवाड़ी में है, और आशीष का भी घर उधरे है अंकल जी। और का नाम बोले थे? रवि। हाँ सर, रवि ठाकुर को देखे थे अपने से लड़ाई झगड़ा में? लेकिन रवि ठाकुर को अपने से नहीं देखे थे अंकल। रवि ठाकुर वहाँ पे था प्रेजेंट? सही से रवि ठाकुर को नहीं देखे थे, लेकिन रवि भैया सब बोल रहा था वहाँ पे, चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से। ये तो जघन्य हत्या हुआ, नीतीश जी के राज में प्रतिदिन हो रहा है, और आज साल का अंतिम दिन है। आज भी इसको मासूम लड़का को घेर के करीब
30-40 लड़का हुजूम बना के इसको जो है बेदर्दी से मारते मारते मार दिया और गोली से इसका माथा बेच दिया है, इसकी हत्या की गई है। हम तो प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसको इतना जल्दी अविलंब गिरफ्तारी हो हत्यारे का और हत्यारे को फांसी की सजा हो। कौन था ये लड़का? ये लड़का स्वर्गीय हरिलाल यादव का एकमात्र पुत्र था। अब इनके परिवार में कोई बारिश नहीं बचा है, एकमात्र यही लड़का था जो घर चला रहा था। आपके पड़ोसी भी? हाँ, हमारे पड़ोसी भी हैं। इनके पिता की भी मौत हो गई है? इनके पिता की भी मौत हो गई है, इससे पहले इनके भाई की भी मौत हो चुकी है। 3-4 साल के अंदर में पिताजी भी या भाई भी, वो दोनों बीमारी से चले गए, इनको तो गोली ही मार दी गई। कहाँ पे घटना? ये घटना हवाई अड्डा जो फील्ड है ना, कॉलेज चौक के बगल में, वही हवाई अड्डा के बगल में वहीं पर इसको बुला के मारा गया। क्या नाम था इसका? साजिश के तहत मारा गया। इसका नाम था सौरभ यादव। क्या करते थे? ये पढ़ाई करते थे, कुछ दिन पहले नौकरी भी हुई थी, वो नौकरी पसंद नहीं आया तो फिर से कंप्यूटर की तैयारी करने लगा। ये अभी मैं आया हूँ पता करने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से घटना हुई, क्या कारण कुछ पता चला। मैं जस्ट आया ही हूँ इसलिए अभी पता कर लेते। आरोप है दोस्तों पे ही? ठीक है, मैं पता करके बताऊंगा। वो भी लोग इसमें शामिल होंगे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई? गिरफ्तारी का तो जानकारी नहीं सर। इसमें एक लड़का को लेकर गए।